morning to all of you. Welcome in my class. Our today's topic is getting to know plants. Okay, in this chapter we already discussed about parts of plant. There is two parts of plant, root system and shoot system. Root system के बारे में अपन पहले ही पढ़ चुके हैं. अपने जो मतलब बिलो द सॉइल जो भी पार्ट होता है प्लांट का वो क्या होता है, रूट सिस्टम होता है. ठीक है, सॉइल के मतलब सॉइल के अंडरग्राउंड जो भी पार्ट होता है प्लांट का वो क्या होता है, अपना रूट सिस्टम होता है. रूट सिस्टम अपन पहले ही पढ़ चुके हैं. ओके, एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट शूट सिस्टम. जो ये अपनी हो गई सॉइल. ठीक है, सॉइल के मतलब अंदर का जो पार्ट होता है डाउन साइड, वो पार्ट कैसा हो गया, रूट सिस्टम. इसके बारे में अपन पहले ही स्टडी कर चुके हैं. ठीक है, अभी अपन बात कर रहे हैं शूट सिस्टम की. ठीक है, जो पार्ट क्या होता है, सोइल से अबाउ जो होता है, सोइल के ऊपर का जो पार्ट होता है वो क्या होता है, अपना शूट सिस्टम. और ये जो शूट सिस्टम है, शूट सिस्टम में क्या होता है, इसके काफ़ी सारे पार्ट होते हैं, कंसिस्ट होते हैं इसमें. ओके, नाउ अपन जानते हैं फ्लावर, फ्रूट, लीव्स, स्टीम एट्सेट्रा, ये सारे पार्ट किसमें, ये सारे जो भी पार्ट्स हैं वो किसमें होते हैं, शूट सिस्टम में होते हैं. ओके, एंड वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट और फर्स्ट पार्ट ऑफ शूट सिस्टम, दैट इज स्टीम. ओके, स्टीम के बारे में अपन स्टडी कर चुके हैं. स्टीम में अपन ने देखा कि जो स्टीम है उसमें सारे जो पार्ट होते हैं वो इंक्लूड होते हैं, क्योंकि मेन इसका जो बेस होता है इस प्लांट का वो क्या होता है, स्टीम होता है. और जो स्टीम होता है उसी में सारे पार्ट हैं वो कंसिस्ट होते हैं. ठीक है, तो अपन ने देखा इसमें लीव्स होती है, फ्रूट्स, फ्लावर्स, ठीक है, एट्सेट्रा. ठीक है, इसके अलावा अपन ने देखा कि ये क्या करती है, जो लीव्स होती हैं, लीव्स क्या करती हैं, फूड बनाती है प्लांट के लिए. तो लीव्स को फूड बनाने के लिए भी सपोर्ट प्रोवाइड करती है स्टीम. ओके, और इसके अलावा जो भी वाटर, मिनरल्स जो भी होता है वो क्या करती है, पूरे प्लांट में क्या करती है, ट्रांसफर करने का काम करती है. ओके, एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फंक्शंस ऑफ स्टीम. ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट फंक्शंस ऑफ स्टीम. Functions of steam. Okay? We are talking about functions of steam. Okay? And we already discussed about, एक तो देखो first इसका जो important function है वो क्या होता है इसका, ये क्या करती है, provide support. ठीक है, provide support. जो स्टीम है वो क्या करती है, अपने प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करती है. इसका मतलब डिस्कस अपन पहले ही कर चुके हैं. ओके, एंड वी ऑलरेडी नो अबाउट, वी ऑल्सो डिस्कस अबाउट बियर इम्पोर्टेंट प्लांट पार्ट. बियर इम्पोर्टेंट प्लांट पार्ट. और स्टीम क्या करती है, प्लांट के जो भी इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं वो सारे किसमें, किसे कंसिस्ट होते हैं, स्टीम में कंसिस्ट होते हैं. इसके बारे में अपन स्टडी कर चुके हैं. ओके, एंड वी ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट आवर थर्ड फंक्शन, दैट इज हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ water and food. water and food, ये अपन स्टडी कर चुके हैं कि जो स्टीम होती है वो क्या करती है, water and food है, वो भी पूरे plants के जो भी parts होते हैं उसमें transfer करती है. okay, and we also discussed about undergo steam store food. जो कुछ plants ऐसे होते हैं जिनकी steam कैसी होती है, underground होती है. ठीक है, कैसी होती है, अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड स्टीम स्टोर
इसके बारे में अपन स्टडी कर चुके हैं। तो ये अपने कुछ फंक्शंस हैं जिसके बारे में अभी अपन स्टडी कर चुके हैं, ठीक है, अपने लास्ट वीडियो में। ओके, एंड नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट और नेक्स्ट फंक्शन ऑफ स्टीम, दैट इज थिक एंड फ्लैशी स्टीम स्टोर मैक फूड। ओके, जो थिक एंड फ्लैशी, कुछ प्लांट्स अपने ऐसे होते हैं जिनकी स्टीम कैसी होती है, थिक होती है, एंड कैसी होती है, फ्लैशी होती है। तो इस टाइप के जो अपने प्लांट्स होते हैं, इन प्लांट्स की जो स्टीम होती है वो क्या बनाती है, इनके लिए फूड बनाती है। ओके, नाउ और नेक्स्ट फंक्शन इज, इनके बारे में अपन पहले स्टडी कर चुके हैं, देन और नेक्स्ट आई थिंक इट्स फिफ्थ फंक्शन। ओके, तो इसमें अपन देखेंगे थिक एंड फ्लैशी स्टीम थिक एंड फ्लैशी स्टीम मैक फूड। ओके, जो थिक एंड फ्लैशी स्टीम होती है, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी स्टीम कैसी होती है, थिक होती है एंड फ्लैशी होती है, ठीक है। तो इस टाइप के जो प्लांट्स होते हैं उनकी स्टीम क्या करती है, उनके लिए फूड बनाती है, ठीक है। और ऐसे जो प्लांट होते हैं वो कैसे होते हैं, ड्राई एरियाज भी होते हैं, जो डेजर्ट एरिया होता है, ठीक है, जो डेजर्ट एरिया होता है उनमें इस टाइप के प्लांट होते हैं। इसका एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं कैक्टस। ओके, एग्जाम्पल अपना हो गया कैक्टस। तो जो कैक्टस है वो क्या एक डेजर्ट प्लांट है, ठीक है। कैक्टस कैसा प्लांट है, डेजर्ट प्लांट है। और इसकी जो स्टीम होती है वो कुछ ऐसे होती है जिसे मॉडिफाइड स्टीम, जिसे मॉडिफाइड लीव्स हो, ठीक है। देखने में वो कैसे दिखाई देती है, मॉडिफाइड लीव्स, एज ए मॉडिफाइड लीव्स। देखने में कैसी होती है, मॉडिफाइड लीव्स जैसे, मतलब लीव्स की मतलब स्ट्रक्चर जैसी दिखाई देती है। और इसी वजह से इसका जो कलर होता है वो भी कैसा होता है, ग्रीन कलर होता है। ओके, इस स्टीम का कलर कैसा होता है, ग्रीन कलर होता है। और ये फूड को स्टोर करती है फॉर लॉन्ग ड्राई वेदर। अपने को पता है कि जो डेजर्ट एरिया होता है उसमें मतलब उनको इतना वाटर नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो ये क्या करती है, ये जो स्टीम होती है वो फूड को स्टोर करती है। अब अपने को पता है वहाँ का इन्वायरमेंट, क्लाइमेट कैसा होगा, ड्राई होगा। वेदर कैसा होगा वहाँ का, ड्राई होगा। वहाँ पे वाटर इतना अवेलेबल नहीं होता, कहाँ पे, डेजर्ट की बात अपन कर रहे हैं, ठीक है। तो इनकी जो स्टीम होती है वो कैसी होती है, जैसे मॉडिफाइड लीव्स होती है वैसे इनकी स्टीम होती है, ठीक है। देखने में आपको ऐसे फील होगा जैसे ये लीव्स हैं, ठीक है। तो फिर इनका जो कलर है वो भी कैसा हो गया, ग्रीन कलर हो गया। ग्रीन कलर इट मीन्स इसमें क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ग्रीन कलर है इसमें। इट मीन्स इसमें क्या हो गया, जो ग्रीन कलर का जो पिगमेंट है वो क्या है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। और जो क्लोरोफिल अपने को पता है ये फोटोसिंथेसिस के लिए क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के लिए ये एसेंशियल होता है। ओके, फोटोसिंथेसिस के लिए ये एसेंशियल होता है। इट मीन्स इनकी ये जो स्टीम होती है वो क्या करती है, फोटोसिंथेसिस करती है। इट मीन्स इस प्लांट के लिए, कौन सा प्लांट हो गया, कैक्टस जो अपन ने एग्जांपल लिया, जो क्या है, एक डेजर्ट प्लांट है। और ये जो कैक्टस है ये क्या करता है, इसकी जो स्टीम होती है वो क्या करती है, इस पूरे प्लांट के लिए फूड बनाती है और उसे स्टोर भी करती है फॉर ड्राई वेदर, ठीक है। लॉन्ग टाइम तक यहाँ का जो वेदर होता है वो क्या होता है, ड्राई होता है। और उस वेदर के लिए क्या करते हैं, फूड है उसको स्टोर करके रखते हैं। तो ये अपना फंक्शन हो गया नेक्स्ट, थिक एंड फ्लैशी स्टीम, ठीक है। तो इस टाइप के जो अपने प्लांट होते हैं लाइक कैक्टस, इनकी जो स्टीम होती है कैसी होती है, थिक एंड फ्लैशी होती है। ओके, अंडरस्टैंड। एंड आवर नेक्स्ट फंक्शन इज दैट स्टीम मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल्स। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी स्टीम क्या होती है, टेंड्रिल्स में मॉडिफाइड हो जाती है, ठीक है, एंड गिविंग एक्स्ट्रा सपोर्ट फॉर
ठीक है, और वो क्या करती हैं, प्लांट को एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड दैट थिक एंथ्रेसिस स्टीम मैक फूड, ये आपको अच्छे से आ गया होगा समझ में। तो अभी अपन नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं, ठीक है। देन आवर नेक्स्ट फंक्शन ऑफ स्टीम इज, इसमें क्या होता है, जो स्टीम होती है वो किस में मॉडिफाइड हो जाती है, टेंड्रिल्स में, स्टीम मॉडिफाइड इंटू टेंड्रिल्स। टेंड्रिल्स में मॉडिफाइड हो जाती है, क्यों, फॉर गिविंग एक्स्ट्रा सपोर्ट फॉर प्लांट, ठीक है, गिविंग एक्स्ट्रा सपोर्ट फॉर प्लांट, फॉर प्लांट, ठीक है। तो कुछ प्लांट अपने ऐसे होते हैं जिनकी स्टीम क्या होती है, वो टेंड्रिल्स में मॉडिफाइड हो जाती है। अब टेंड्रिल्स क्या होते हैं उसके बारे में अपन देखते हैं, ठीक है। आपने प्लांट देखा होगा कुकुरबीट, कुकुरबीट, ये नेम आपका इतना सुना हुआ नहीं होगा, तो इसको अपन अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, लोकी। ये कौन सा प्लांट अपना, लोकी, जो आपने देखा होगा। उसमें क्या होता है कि इसकी जो स्टीम होती है, इसकी स्टीम क्या होती है, कुछ मतलब इस टाइप से, इसका जो मतलब फ्रूट है वो इस टाइप से इसमें ग्रो करता है, और इसमें कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये क्या है, लौकी का जो प्लांट है, ठीक है। तो इसकी जो स्टीम होती है इस टाइप से मॉडिफाइड हो जाती है टेंड्रिल्स में, ठीक है। तो इसमें कुछ इस टाइप से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इसमें निकली हुई होती है, और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को अपन क्या कहेंगे, टेंड्रिल्स कहेंगे, ठीक है। तो ये टेंड्रिल्स में क्या हो जाती है, मॉडिफाइड हो जाती है, स्टीम क्या करती है, टेंड्रिल्स में मॉडिफाइड हो जाती है, और ये क्या करती है, प्लांट को एक्स्ट्रा सपोर्ट वो प्रोवाइड करती है, ओके। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, नाउ दीज फंक्शंस आर कंप्लीटेड ऑफ स्टीम। स्टीम के जो फंक्शंस हैं वो अपने कंप्लीट हो चुके हैं, ओके। सो अभी अपन बात करते हैं कि जो स्टीम है वो क्या करती है, पूरे प्लांट को क्या प्रोवाइड करती है, मतलब ट्रांसफर करती है, वाटर एंड फूड को ट्रांसफर करती है। इसके लिए अपन कुछ एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अपन देखेंगे, अपन कोई भी ग्लास लेंगे या फिर टेस्ट ट्यूब लेंगे, ग्लास टेस्ट ट्यूब या फिर बीकर ले सकते हैं, ठीक है। आप या तो ग्लास ले सकते हो, ठीक है, या फिर बीकर, ठीक है। और उसको क्या करना है, आपको हाफ उसमें क्या डालना है, वाटर डालना है, हाफ उसमें क्या डालना है, वाटर डालना है। अब इस हाफ वाटर में आपको क्या करना है, रेड इंक, कुछ ड्रॉप्स डालनी है आपको रेड इंक की। देखो फंक्शंस के बारे में अभी अपन बात कर चुके हैं, अभी अपन एक्सपेरिमेंट देखेंगे, और ये एक्सपेरिमेंट क्या करेगा, इससे अपन देखेंगे कि जो प्लांट होता है उसकी स्टीम क्या करती है, ट्रांसफर मतलब ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है पूरे प्लांट्स में फूड एंड वाटर को, ठीक है। तो अभी अपन देखेंगे कि इसमें अपन ने क्या लिया, रेड इंक डाली, ठीक है। फिर अपन ने एक प्लांट लिया है, प्लांट में क्या है, लीव्स हैं, ठीक है, बट उसकी स्टीम अपन ने, देखो ये प्लांट है, वेट, ये अपन ने क्या लिया, बीकर लिया है। इस बीकर में अपन ने इसको हाफ वाटर इसमें ले लिया, ओके। नाउ अभी अपन क्या करेंगे, इसमें अपन ने एक क्या लिया है, प्लांट लिया है, इस प्लांट में रूट नहीं है, इसमें ओनली क्या है, स्टीम है, ठीक है। लीव्स है, ठीक है। फिर अपन ने इसमें क्या किया, रेड इंक डाल लिया, ठीक है। रेड इंक डालने के बाद में, रेड इंक अपन ने डाल लिया और ये प्लांट इसमें अपन ने डाल के छोड़ दिया। फिर अपन क्या करेंगे, एट एंड 10 आवर्स आफ्टर, इसको अपन चेक करेंगे आफ्टर 8 to 10 आवर्स, ठीक है। फिर अपन इसमें देखेंगे कि इसमें अपने को
कुछ लाइंस सी शो हो रही है, ठीक है। इसकी जो स्टीम है उसमें अपन देखेंगे कि कुछ लाइंस शो हो रही है रेड कलर की, ठीक है। इट मीन्स अपन इसे क्या समझ सकते हैं कि ये जो वाटर है, ठीक है, ये क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है। और बाकी के जो प्लांट्स होते हैं, अपन लीव्स में भी ये चीज़ देखेंगे, ठीक है। इसी टाइप से जो वाइट फ्लावर होते हैं उनमें भी अपन इस टाइप का जो एक्सपेरिमेंट है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें अगर ये एक्सपेरिमेंट करेंगे वाइट कलर का फ्लावर जिस प्लांट में हो, ठीक है, तो वो प्लांट क्या करेगा, फिर उसमें आप देखोगे कि उसमें भी रेड, मतलब रेडिश कलर आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, इसमें एक्सपेरिमेंट कर सकते हो और समझ सकते हो कि जो स्टीम होती है वो क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है। देखो वाटर का अपन ने देखा, और वाटर में अगर कुछ मिनरल्स मिक्स हैं तो ये वाटर के साथ साथ उन मिनरल्स को भी क्या करेगी, ट्रांसपोर्ट करेगी प्लांट्स के अदर पार्ट्स में, ओके। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, एंड नेक्स्ट फॉर द चैप्टर वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।